हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल टेक्सचर गो। आज इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं शाओमी के नए फ़ोन रेडमी नोट 9 प्रो के बारे में। तो इस वीडियो पे हम बात करेंगे कि ये फ़ोन कब लॉन्च होने वाला है, इसके क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, इसकी क्या प्राइस होगी, इसमें कितना बैटरी बैकअप मिलेगा, ये 4G होगा, 5G होगा, इन सारी चीज़ों पर हम इस वीडियो पर बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहो। तो अगर इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात की जाए, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मिल जाता है 6.4 इंच का HD AMOLED पैनल डिस्प्ले, जो कि जितने भी नोट सीरीज़ है उसमें सारे में AMOLED डिस्प्ले ही दिया गया है। और इसमें हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है, जो कि अभी आजकल के ज़माने में आम बात हो गई, सारे फ़ोन्स में ही आने लगे हैं। और इसमें सबसे बेटर कि हमें गोरिल्ला ग्लास 6 मिल जाता है, जो इस फ़ोन को रफ एंड टफ बनाता है। अब इस फ़ोन में हमें क्वाड कैमरा मिल जाते हैं, जो इसका सबसे मेन रियर कैमरा है, उसमें 48 मेगापिक्सल का लेंस है। जो सेकंड हमारा वाइड एंगल लेंस है वो 8 मेगापिक्सल का है, और एक डेप्थ सेंसिंग लेंस है वो है 8 मेगापिक्सल का, वो भी है। और एक टेलीफोटो लेंस है जो कि है 5 मेगापिक्सल का। जो फ्रंट कैमरा सेल्फी कैमरा है मिल जाता है, वो एक पॉपअप कैमरा है जो 32 मेगापिक्सल्स का है। अगर प्रोसेसर की बात की जाए, तो इसमें हमें स्नैपड्रैगन 865 देखने को मिल सकता है। रैम वगैरह और इसमें इंटरनल स्टोरेज की बात की जाए, तो इसमें 8 GB रैम मिलता है और 256 GB इंटरनल स्टोरेज हमें दिखने को मिल सकता है। बैटरी बैकअप की बात की जाए, तो इसमें हमें 5000 mAh की बैटरी और इसमें फास्ट चार्जिंग मिलेगा 27 वॉट वाला चार्जर के साथ। और इसमें 5G सपोर्टेड है, तो अभी अगर देखा जाए मार्केट में इतना सस्ता कोई भी 5G सपोर्टेड फ़ोन नहीं है, जो कि इस रेंज में हमें देखने को मिल रहा है। इसमें हमें एंड्रॉयड वर्जन 10 मिल जाएगा MIUI 10 के साथ, और एक 3.5 mm का जैक और USB Type-C का केबल मिल जाएगा हमें। अब अगर बात करते हैं इसके प्राइस और लॉन्च डेट की, तो प्राइस इसका लगभग 15 से 16,000 रुपीज़ के बीच में इसका प्राइस रहने वाला है। और लॉन्च अगर इसकी बात की जाए, तो कंपनी से एक्सपेक्टेड है कि फरवरी 2020 तक ये फ़ोन लॉन्च हो जाएगी मार्केट में। तो गाइस, यही था ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कॉमेंट करके नीचे बताओ, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो।